हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में नेटवर्क शेल की हेल्प से आप अपने वाईफाई के जितनी भी प्रोफाइल्स आपके सिस्टम में सेव हैं, SSID सभी के पासवर्ड जो हैं कैसे शो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का पासवर्ड अगर जानना है तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा, जब तक रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके आप रन नहीं कीजिएगा तब तक ये कमांड जो है वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो है आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको ओपन होते ही आपको नेटवर्क शेल में जाना है, तो इसके लिए कमांड है netsh। ठीक है, netsh इस कमांड से आप जो है अपने नेटवर्क शेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में सारी की सारी प्रोफाइल शो करनी है WLAN की, तो उसके लिए कमांड है WLAN show profile। इस कमांड का यूज़ जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी प्रोफाइल्स सेव हैं। हमने पिछली वीडियो में इंटरनेट का पासवर्ड देखा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, किसी पर्टिकुलर एक प्रोफाइल का पासवर्ड शो किया था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी एक प्रोफाइल का जो है पासवर्ड शो करूँ बाद में किसी और का, तो एक एक करके जो है ना टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कमांड भी मेरे को ज़्यादा जो है एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा कमांड है, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोफाइल सेव है, आपके सिस्टम में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि सभी की सभी जो प्रोफाइल्स हैं SSIDs हैं ये जो है एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए कमांड है WLAN एक्सपोर्ट। ठीक है, कमांड में बस आपको शो की जगह एक्सपोर्ट करना है प्रोफाइल, और यहाँ पे जो है आपको लिखना है फोल्डर। ठीक है, फोल्डर इक्वल टू कहाँ पे मैं सेव करूँगा, मैं करूँगा सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ किसी फोल्डर का नेम देना है तो आप यहाँ फोल्डर का नेम दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली स्पेस दे दीजिए, तो खाली सी ड्राइव में ही पेस्ट कर देगा बाहर के बाहर। की इक्वल टू क्लियर, जैसा कि आप इस कमांड को जानते ही है। अब जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए सारी की सारी प्रोफाइल जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई और सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि वाकई में एक्सपोर्ट हुई है या नहीं हुई सी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर देखिए प्रोफाइल्स जो हैं एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ से जो है फ़िलहाल इसका पासवर्ड जो है फॉरगेट कर देता हूँ, फॉरगेट दिस नेटवर्क। ठीक है, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी प्रोफाइल जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर ली है। अब मेरे को इसका पासवर्ड देखना है, पासवर्ड क्या है, तो इसके लिए ओपन करना है, ओपन विद नोटपैड आपको करना है। अब यहाँ पे जैसे आप ओपन विद नोटपैड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये की टैग दिखेगा, की मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर ये जो लिखा है ये पासवर्ड है आपकी इस प्रोफाइल का। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है मिस्टर बॉट, इसका पासवर्ड है ये, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पासवर्ड सही है या गलत। मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, अब ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार शो कर लेते हैं हमने पासवर्ड डाला है सही या नहीं। तो देखिए पासवर्ड हमारा बिल्कुल सही है, मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट और कर देता हूँ यस। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार गूगल एक्सेस कर लेते हैं, गूगल जो है ओपन हो रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे गूगल, देखिए यहाँ गूगल जो है एक्सेस हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में नेटवर्क शेल की हेल्प से सभी के सभी प्रोफाइल्स को जो है एक्सपोर्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कमांड है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो इस कमांड को जो है अपने हाथों में जो है बस जमा लीजिए, ताकि जो है आप अच्छे से फास्ट तरीके से काम कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।